प्यारे बच्चों देखो हमारा मिशन क्या चल रहा है। मिशन एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी के जितने भी सवाल है ना, इंटेक्स क्वेश्चन, वो उड़ाने हैं हमें। देखो अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ पहले वीडियो में, भाई जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो, प्लेलिस्ट बनी रखी है और सारे क्वेश्चन तुम्हें एक जगह पे मिल जाएंगे। वायरस बन जाओ, प्लेलिस्ट ढूंढ डालो, वायरस नहीं होता बड़ा जा घुस जाता कहीं भी, तो भैया प्लेलिस्ट में घुस जाओ बिल्कुल वायरस बन गए। चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन, और ये है भैया तुम्हारा पेज नंबर 5 पे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है भैया। टूल, अब ज़रा ब्रश ले लो, ब्रश। ओके ले लिया ब्रश। इसे ध्यान से देखो भैया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कितना ईजी क्वेश्चन है ये, समझ लो भाई। मोल फ्रैक्शन पूछा, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है। कितने आदमी थे कि सर? दो आदमी थे। मोल फ्रैक्शन में दो ही आदमी आएंगे बस, एक तो ऊपर आएगा जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है मेरे दोस्तों, वो तो आ जाएगा ऊपर उसके मोल, और टोटल आ जाएगा नीचे। समझ में आ गई बात? इतना सा काम करना, जब भी मोल फ्रैक्शन पूछेगा ना ज़िंदगी में तुम्हें यही काम करना है, ऊपर तो मोल लिखने हैं और नीचे टोटल मोल लिखने हैं बस। ये देखो मैंने लिखा भी है तुम्हें, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों चीज़ें, सोल्यूट जो मिलाया गया है एंड सोलवेंट जिसमें मिलाया गया, या ऐसे भी समझ लो सोल्यूट जो कम होता है वो सोल्यूट होता है और सोलवेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सोलवेंट। इनके मोल पता होने चाहिए, पहले दोनों के मोल निकालो। लो भैया सॉल्यूशन करते हैं। देखो मोल का फॉर्मूला हमें पता है, बच्चा बच्चा जानता है मोल का फॉर्मूला, गिविन मास अपॉन मोलिकुलर मास। निकालना किसका है? बेंजीन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और 30% बाई मास। अब देखो भैया तुम कहोगे भैया गिविन मास तो दे नहीं रखा। अबे मेरे दोस्तों जब ये 30% दे दिया ना, तो ये समझ जाओ 30% बाई मास इसका मतलब क्या है बताऊँ? कि 30 ग्राम बेंजीन है। तुरंत एकदम से मान लिया करो, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम बेंजीन मान लो तुरंत, ठीक है भैया? ठीक है दोस्तों मेरे। अब एक चीज़ और, जब तुमने 30 ग्राम बेंजीन मान लिया इवन मास का, तो ध्यान रखो आज एक बहुत तकड़ी चीज़ बता रहा हूँ। जब भी ये कह देगा ना 30, कुछ भी कितना भी परसेंट दे दे, 30% बाई मास दे दिया, तो इसका मतलब सोल्यूट तो है 30 ग्राम। तुरंत ऐसे करना, 30 ग्राम तो हो जाएगा सोल्यूट, और बचा हुआ सोलवेंट हो जाएगा 70 ग्राम। सोलवेंट बराबर 100 - 30 = 70 ग्राम। जब भी परसेंटेज आ जाए तुरंत ये मान लेना है तुम्हें दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब देखो यार मास ऑफ बेंजीन 30 हो गया, और मास ऑफ CCl4 कितना, दूसरी चीज़ CCl4 है ना, तो वो 70 ग्राम हो गया इफ़ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। हाँ अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन मान के चलते हैं हम। अब मोलिकुलर मास निकाल, अबे भैया देखो जब मास अपन मोलिकुलर मास, ये मोलिकुलर मास निकाल लिया, बेंजीन का 78 आ जाएगा, 6 × 12 + 6 × 1। अब मोलिकुलर मास किसका निकालेंगे भाई, बैठ जा, मोलिकुलर मास निकालेंगे CCl4 का, 12 क्लोरीन का होता है 35.5, और इंटू 4 से मल्टीप्लाई 154 ग्राम आ गया, ठीक है दोस्तों। अब कहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है ये, अब निकालो मोल, क्योंकि हमें जब मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे ऊपर, तो ऊपर तो चाहिए थे मोल और नीचे भी मोल चाहिए थे, Na/Na+Nb। इतना मोटा क्यों चलने लगा है पेन, कुछ छोटा करो यार। हाँ अब सही है। अब देखते हैं भैया, मोल निकालो बेंजीन के, बेंजीन के मोल निकालो, गिविन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिविन मास कितना है बेंजीन का? 30, ये रहा रख दिया। मोलिकुलर मास कितना आया था? 78। मोल निकाल लिए, इतने आ गए। अब CCl4 के मोल निकालो, गिविन मास अपॉन मोलिकुलर मास, इसका मास कितना था? 70। भाई जब 30 इसका हो गया था तो 70 इसका हो गया, अब इसका मोलिकुलर मास आया था 154। ये लो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालो, इतना ईजी सवाल दे रखा है यार, पूछो मत ना बस, बिल्कुल ही नकली क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, अब बेंजीन के लिए क्या करेंगे? देखो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालोगे तो ऊपर रखोगे बेंजीन के मोल, ये देखो, और नीचे रखोगे टोटल मोल। और बेंजीन के मोल कितने आए थे? ये रहे 0.385, यहाँ रख लिया, नीचे टोटल मोल 0.385 प्लस दूसरे के कितने थे 0.455, ये रखे। अब ये जुड़ के आ जाएगा ये। अब दूसरे वाले की ट्रिक देखो, ट्रिक क्या, पहला फॉर्मूला लगाओ, हमने बेंजीन के ऐसे निकाले, अब CCl4 के इस तरह से निकालेंगे, तो ऊपर रखेंगे CCl4 के मोल, देखो ध्यान से, समझ में आई बात? CCl4 के मोल कितना आए थे? ये रहे 0.455, इसे रख दिया ऊपर, और नीचे हो जाएंगे टोटल मोल,
ठीक है दोस्तों, अब देखो डिवाइड होकर क्या जाएगा, 0.54। या इसका एक तरीका और निकाल है, एक तरीका है और निकालने का, जब किसी के मोल आ जाएंगे ना दोनों को जोड़ के क्या आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला होता है 1। अब एक बात बताओ, जब इसके तो आ गए बेंजीन के तो आ गए ये, तो यहाँ पुट कर देंगे, अब दूसरे वाले क्या जाएंगे, या फिर इन्हें एक वन में से माइनस कर दो। जब ये ट्रिक है बहुत बढ़िया वाली, जब एक के मोल आ जाएंगे तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन, सॉरी जब एक के मोल फ्रैक्शन आ गए तो दूसरे के मोल फ्रैक्शन के हो जाएंगे, वन में से माइनस कर देंगे 0.54। ठीक है, ठोको ताली अगर मज़ा आया हो भैया। अगर देखो मेरे सारे चैप्टर मेरे से पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है भाई, हाँ और मैं भैया ट्यूशन तुम्हें तो पता, मैं ट्यूशन जूम पे ट्यूशन देता हूँ, मैं जूम ऐप है ना, जूम ऐप उस पर ट्यूशन देता हूँ। भैया क्या हो गया, जूम ऐप पर ट्यूशन चलेगा तुम्हारा? और भैया क्योंकि वो ऐसा होता है जैसे जो दूर के बच्चे हैं ना, दूर वाले बच्चे वो मेरे पास आ नहीं पाते कोचिंग में, किठोर में कोचिंग है भाई तो आ नहीं पाते, तो इसलिए मुझे जूम पर पढ़ाना पड़ता है कुछ बच्चों को। काफ़ी सारे बच्चे हो रहे हैं, टेंशन ना लो, तुम्हारा अलग से बैच बना दूंगा जो कोई पढ़ना चाहता है तो। चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में।